इस वीडियो में पढ़ेंगे पोयम द पैट्रियट, जिसको लिखा है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने, और यहाँ पे हम करने वाले हैं न्यू पैटर्न पे बेस्ड सारे एमसीक्यू जो कि सेमेस्टर वन के लिए है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द चर्च टावर वर डेकोरेटेड विद, चर्च का टावर किससे डेकोरेटेड था, यहाँ पे वो है विक्टोरी फ्लैक्स। सेकेंड क्वेश्चन है, द पैट्रियट हैज बीन अरेस्टेड एंड इज बींग लेड टू द डैश फॉर हिज मिसडीड, उन पैट्रियट को अरेस्ट कर लिया गया था और उसको मिसडीड के लिए मतलब गलत किए गए कार्य के लिए ले जाया जा रहा था, किसके लिए, गैलोज, गैलोज बोलते हैं फांसी होने वाली थी उसको, तो उसको मिसडीड के लिए फांसी होने वाली थी इसलिए इसको अरेस्ट करके ले जाया जा रहा था। हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम द पैट्रियट, तो आपको पता ही है ऊपर लिखा हुआ है पैट्रियट किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये है रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखी गई है। रॉबर्ट ब्राउनिंग फर्स्ट पोएम वाज पब्लिश्ड इन, इनकी जो फर्स्ट पोएम थी वो पब्लिश हुई थी 1833 में, 33। द पोएम पैट्रियट इन द फॉर्म ऑफ, पोर्ट्रेट का जो फॉर्म है वो है ड्रामेटिक मोनोलॉगल, इसका मतलब ये होता है कि इसमें केवल एक ही करेक्टर है, जिसमें एक ही करेक्टर होता है पूरे कहानी या पोएम्स में वो ड्रामेटिक कराती है। वर स्ट्रू ओवर द पाथ, पाथ में क्या फैले हुए थे, तो पाथ में फैले हुए थे फ्लावर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्लावर्स। द ऑथर ऑफ द पैट्रियट होप्स ही वुड बी रिवार्डेड बाई, पैट्रियट को उम्मीद थी उसको इनाम मिलेगा, किसके द्वारा इनाम मिलेगा, वो है गॉड, गॉड उसको इनाम देगा जब वो मर जाएंगे, तो उसको गॉड ही उनको इनाम, जो भी उसने काम किए थे पूरे ईयर वो उसको उसके बदले इनाम मिलेंगे। हाउ मैनी ईयर एगो द ऑथर रिकॉल, ऑथर अपनी बातों को किस कब से याद कर रहा है, तो वो है 1 ईयर एगो, एक साल पहले की वो बातें अपनी याद कर रहा है। हु वॉज द सिटिंग एट द विंडो, विंडो के पास कौन बैठे हुए थे, तो विंडो के पास बैठा हुआ था, बैठे हुए थे पैरालाइज पर्संस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइट्रिल, मीन इसका मतलब है अ स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स, ये फूल्स की कैटेगरी के ही पार्ट्स होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइक मेड, लाइक मेड मीन्स मेडली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीव, हीव्स मीन्स होता है यहाँ पे ब्रीथ, इस पोएम में हीव का मतलब रिलेटेड किससे है, ब्रीथ से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द योंडर, योंडर मीन्स दैट। व्हाट इज द मीनिंग अलैक, अलैक किसके लिए कहा जाएगा, यहाँ पे दुख के लिए यूज करें, तो दुख के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, अलास। व्हाट इज द मीनिंग लीप एट द सन, लीप एट द सन का मतलब सन की तरफ कूदने का मतलब होता है कि कोई ऐसा वर्क करना जो इम्पॉसिबल हो, तो इसका जो आंसर होगा वो ट्राई टू डू इम्पॉसिबल, कोशिश करना किसी इम्पॉसिबल चीज को करने के। व्हाट इज द मीनिंग नॉट, इसका मतलब नथिंग। सेमलेस गेट का मतलब है कि ये एक ऐसी जगह थी इस पोएम में बताई गई थी जो जहाँ पे किसी को फांसी देनी हो तो उसको यहाँ पे लाया जाता था, तो यहाँ पे पोएट को लाया जा रहा था, तो इसलिए ए पार्ट हो गया। स्केफोल्ड का मतलब होता है हैंगिंग हिम फ्रॉम अ रोप, रस्सी से किसी चीज को लटका देने को बोलते हैं स्केफोल्ड, दैट मीन्स फांसी। फ्लिंग मीन्स है यहाँ पे थ्रो। मिसडीड, मिसडीड का मतलब कोई गलत कार्य करना या कोई गलती से मिस्टेक होना, वो कहलाएगा ईवल एक्शन। रिक्वाइट का मतलब है यहाँ पे रिवार्डेड, रिक्वाइट मीन्स इनाम देना, रिवार्ड करना। द पोएम द पैट्रियट डिवाइडेड इंटू, इस पोएम में कितने स्टेंज आए, तो आप देखेंगे तो इस पोएम में 6 स्टेंज आए। वाई वॉज द पैट्रियट वेलकम एज ए हीरो, मतलब पैट्रियट का हीरो के रूप में स्वागत क्यों किया जा रहा था, क्योंकि उसने अपनी कंट्री के लिए कुछ ऐसा अच्छा काम किया था जिसके लिए लोग उसे प्यार कर रहे थे। वाई इज द पैट्रियट पनिश क्यों किया गया, तो उसको बाद में 1 साल बाद, क्योंकि अब उसने कुछ ऐसा काम कर दिया था जो लोगों को पसंद नहीं था, जैसे हम बोलेंगे मिसडीड्स। वाई डू यू मीन द हैवरेस्ट, हार्वेस्ट का मतलब यहाँ पे है इस पोयम में क्रॉप से नहीं है, तो यहाँ पे इसमें हार्वेस्ट का मतलब है गुड डीड्स डन बाय द पोएट, जो काम अच्छे किए थे, जो काम पोएट ने कहे थे उसके लिए। रोजेस का इसमें नियरेस्ट जो मीनिंग है वो है कंपेंसेशन। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम द पैट्रियट, इसकी राइम स्कीम क्या है यहाँ पे, तो आप चेकिंग करेंगे तो राइम स्कीम ए बी ए बी ए, यानी एक एक करके रिपीट होना। सन सिग्निफाई इन द पोएम, सन किसको सिग्निफाई कर रहा है, पावर एंड डोमिनेंस,
वाई हैड द पीपल गैदर्ड अ ईयर बिफोर, पीपल एक साल पहले कहाँ इकट्ठे हुए थे, तो पीपल एक साल पहले इकट्ठे किस चीज के लिए हुए थे, वेलकम फॉर द पेट्रोड, उसको स्वागत करने के लिए इकट्ठे हुए थे। वाई हैव द पीपल गैदर्ड द नेक्स्ट ईयर, अब अगले साल कहाँ पे उन लोगों ने गैदरिंग करी थी, तो वो था उस जगह पे जहाँ पे उसको फांसी दी जानी थी, तो एग्जीक्यूटिंग द पेट्रोड के लिए फांसी दी जा रही थी, तो इसलिए वो लोग इकट्ठे हुए। व्हाट वर द पीपल डूइंग ऑन देयर रूफ टॉप्स, लोग अपनी छतों पे क्या कर रहे थे, लोग अपनी छतों पे इकट्ठे हो गए थे पैट्रेट को देखने के लिए, उसको स्वागत करने के लिए। वेयर हैव द पीपल गैदर्ड द नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर कहाँ गैदर्ड हुए थे, तो सैमलेस गेट एट द स्कॉफोल्ड का मतलब ही फांसी वाली जगह को भी बोलते हैं फांसी देना, तो ये इसके दोनों पार्ट सही है, इट मीन्स सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट। द थीम ऑफ द पैट्रियट की यहाँ पे है ब्रेवरी एंड डिवोशन। व्हाट इज द मीन ऑफ हार्वेस्ट, द हार्ड वर्क ऑफ द होल ईयर अमाउंटेड टू द नथिंग, ये आपका यहाँ पे हार्वेस्ट का मतलब है पूरे साल में जो भी वर्क किया उसकी फसल को काटना से होता है। इस पोयम में अलग वर्ड आया था जिसका मतलब था कि यहाँ पे एकदम राइटर को मतलब चेंज हो गया था, एक साल पहले कुछ हुआ और बाद में लोगों ने स्वागत नहीं करना छोड़ दिया, तो उसको मतलब यहाँ पे सैडनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पैरालाइज का मतलब होता है कि पैरालाइज मतलब कोई बॉडी अपने आप में कंट्रोल छोड़ दे, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा अ डिसीज वन बॉडी शेक अनकंट्रोलेबली। व्हाट इज द मीन थ्रो, थ्रो का मतलब यहाँ पर है थिंक। व्हाट इज मीन डोस्ट, डोस्ट का मतलब डू। मीन्स ऑफ थॉट इन द पोम, इसका मतलब है यू, डाउट का मतलब यू। कॉलेप्स का मतलब हो गया यहाँ पे डाई। अब यहाँ पे हम करेंगे लिटरेरी डिवाइस से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू, इसके बारे में मैंने आपको पोएम 7 में सब कुछ एक्सप्लेन किया था, जब मैंने आपको पोएम 7 कराई थी वहाँ पे, आप जाके पोएम 7 जब देखेंगे तो इसमें इसके सबके बारे में पता है, तो आइए इसको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ लिटरेरी डिवाइस के बारे में। तो पहला है एलिटरेशन, इसमें क्या होता है रिपीटेशन होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए एस एस रिपीट हो रहा है। दूसरा है पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है ह्यूमन क्वालिटी मिलती है, जब किसी में ह्यूमन क्वालिटी पाई जाती है तो वो पर्सोनिफिकेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल द लीव डांस इन द ऑटम वर्ल्ड, यानी लीव्स कर रही है डांस कर रही है, डांस करना नेचर ह्यूमन का है। मेटाफोर और सिमली, ये दोनों ऐसी चीजें होती है जिसमें हम दो चीजों की कंपेयर करते हैं, लेकिन मेटाफोर में हम कंपेयर जब करते हैं तो लाइक और एज वर्ड का यूज नहीं करते हैं, जबकि सिमली में क्या है कि जब हम कंपेयर करते हैं तो उसमें लाइक और एज दोनों वर्ड यूज होते हैं, तो दोनों ही यहाँ पे कंपेरिजन, जैसे कि माई सन इज मून, मेरा लड़का मून की तरह, लेकिन कंपेरिजन नहीं हो रही है। सिंबल्स का मतलब होता है यहाँ पे किसी चीज की इमेज बनाना, जैसे सिंबल, जैसे स्नैक किसका सिंबल है ईवल का। हाइपरबोलिक का मतलब ओवर स्टेटमेंट देना, कोई एक्स्ट्रा बात करना। रिपीटेशन, किसी चीज का रिपीटेशन होना। आयरनी का मतलब होता है अपोजिट होना। थोड़ा मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ बिकॉज मैं सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये तो आप यहाँ पे आके देख लीजिएगा। इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। पहले लिटरेरी डिवाइस में आपको जिसको हम फिगर ऑफ स्पीच भी कहते हैं, टिस गॉड शैल रिपे आई एम सफर, इसमें है आयरनी। आयरनी क्यों है, देखिए आयरनी का मतलब होता है अपोजिट। यहाँ पे पोएट क्या कह रहा है कि सेव भी हूँ, मतलब वो सेफ है लेकिन वो मर भी रहा है साथ में, तो कह रहा है दिस गोल्ड रिपे, ये मरने के बाद मुझे गॉड इनाम देंगे। इसमें जो है आपका यहाँ पे विजुअल इमेजेस है, क्योंकि यहाँ पे पाथ स्ट्रू विद द रोजेस है, इट वॉज रोजेस रोजेस ऑल द वे। यहाँ पे देखिए आर आर वर्ड रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीटेशन होता है किसी भी चीज की स्पेलिंग का वो आपका एलिट्रेशन कहलाता है। द पेट्रोएट, इसमें जो ऑडिटोरी इमेज है पेट्रोएट में वो कौन सी है, वो है ऑडिटोरी का मतलब होता है सुनना, तो यहाँ पे देखिए रिंगिंग द चर्च ऑफ द बेल, तो जो आवाज आ रही है रिंगिंग की, रिंग कर रही है चर्च की बेल, तो वो ऑडिटोरी इमेज को रिप्रेजेंट कर रही है। रोजेस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ये मेटाफोर को, रोजेस का यूज हम किस में कर रहे हैं, किससे कंपेयर की गई है, उसके लव्ड एंड रेस्पेक्ट से, तो कंपेरिजन में मेटाफोर लगाते हैं। इसमें यहाँ पे आपका आ गया पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन जो है वो रूफ ऑफ द हाउसेस मतलब ह्यूमन क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए इस वाले लिटरेरी डिवाइस में हम देखें तो यहाँ पे एम एम कितनी बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे चार बार रिपीट हो रहा है,
तो यहाँ पे एलिट्रेशन है, यहाँ पे देखिए एम चार बार आ गया ना, तो ये एलिट्रेशन हो गया। अलार्क इट वाज आई होप लीप द सन, यहाँ पे देखिए सिंबल्स है, क्योंकि सिंबल किसके लिए बताया जा रहा है, सन को रिप्रेजेंट बता रहा है। यहाँ पे हो गया एंड यू सी द माई हार्वेस्ट, इसका मतलब ये हो गया आपका मेटाफोर, क्योंकि यहाँ पे हार्वेस्ट की कंपेयर की गई है पेट्रोट के किए गए कार्य से, विदाउट यूज करे लाइक और एज। नेम द लिटिल, देयर इज नो बडी ऑन द हाउस, यहाँ पे इसमें है इमेजनरी, क्योंकि यहाँ पे इमेज के रूप में दिखाया गया है। फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ में एक टेस्ट दूंगा, 1 से 5 तक के क्वेश्चंस हैं, आप इस पैराग्राफ्स को पढ़ेंगे और पैराग्राफ को पढ़ के आप इसके भी आप पे जो नियरेस्ट आंसर होगा वो आप इस पे टिक करेंगे, और जब आप कर लेंगे तो आप करके मुझे बताइएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्पीकर इज डिस्क्राइबिंग द सीन ऑफ हिज वेलकम द प्रीवियस ईयर, ये आप पढ़ लीजिए और इसको समझ लीजिए, और अगर आप इस पर टिक करके भेजेंगे और नहीं समझ में आएगा तो आपको मैं आंसर सेंड कर दूंगा आपकी रिक्वेस्ट पे। तो ये 5 क्वेश्चन है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया, और थर्ड क्वेश्चन, तो जिसको भी अगर कोई प्रॉब्लम लगती है कि भाई हाँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप मुझे बहुत जल्दी जल्दी इनके आंसर कमेंट्स में लिख के दीजिए, और फिर मैं उसके सही आंसर आपको बता दूंगा अगर कहीं कोई डाउट होगा। ये 5 क्वेश्चन आपके टेस्ट के लिए, आप इसको टेस्ट करिएगा और आप बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर ये वीडियो आपको वास्तव में अच्छी लग रही है तो मैं फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड इस आईसीएसई बोर्ड से संबंधित सारे सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा जिनको इनकी ज़रूरत हो। थैंक यू।